हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया आप लोग से जुड़े हुए और काफ़ी लंबा गैप आ रहा है आजकल बीच में, आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा है कि कुछ ना कोई नई नई चीज़ें हैं जो क्या है, जो मेरे नए व्यूवर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं कनेक्ट कर सकूँ, और जो मेरे ऑलरेडी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग व्यूवर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, मतलब मैं उनको एक बोलूँगा कि जो मेरे बारे में सोचते हैं, चैनल के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, उन सभी को मैं मैं ये आप सभी के लिए बात कर रहा हूँ कि टॉपिक क्या चुनना बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि कौन सा टॉपिक किसको कनेक्ट करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो बेसिक जो टॉपिक है दोस्तों, आप सभी फेस कर रहे होंगे अपनी अपनी कंपनी में कि क्या होता है कि जो मटेरियल होता है, मटेरियल क्या होता है, जो क्या होता है मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, स्पेशली क्या है, मैंने मेंटेनेंस से रिलेटेड ही बोला है, ठीक है ना। तो जो मटेरियल होता है जो मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है वो किसके थ्रू बुक होता है, मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू बुक होता है, जिसका कोड क्या है, IW 31 31 32, ठीक है ना, 31 सॉरी IW 31 हो गया, 32 हो गया, ठीक है ना, इसके थ्रू अगर बुक होता है, ठीक है। कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो MB 21 के थ्रू बुक होते हैं, कुछ कुछ मटेरियल कोड ऐसे होते हैं जो सीधा क्या हुआ क्या होता है, एक परचेस रिक्विजिशन बनता है, रिक्विजिशन बनता है, जिसके थ्रू क्या होता है ऑर्डर क्रिएट होता है, परचेस ऑर्डर, ठीक है ना। तो क्या है, मैं इन सारे टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलो, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने इस चीज़ को क्यों पकड़ा है, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी मटेरियल का इक्विपमेंट के अगेंस्ट में, मटेरियल जो है ये इक्विपमेंट के अगेंस्ट में जो कंजम्पशन है वो पता करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे। मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा किसी चीज़ का तो आगे आपको दिक्कत होगी, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मूवमेंट टाइप आपको लिख के दे रहा हूँ, आप फिर इसके बारे में डिस्कस करूँगा। मूवमेंट टाइप है 101, दूसरा मूवमेंट टाइप के तो मैंने डाला था 201, 201, उसके बाद क्या था 221, उसके बाद 261, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको बेसिकली मैं पूरा एक एक डिफाइन करूँगा। तो जो मूवमेंट टाइप 101 है वो मूवमेंट टाइप को बोलते हैं जो सीधा परचेस ऑर्डर में, परचेस ऑर्डर में अगर मैंने किसी मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट बुक किया है, मटेरियल पीआर बनाया है, ठीक है ना, तो जब मटेरियल आएगा तो सीधा उसका मूवमेंट क्या होगा, स्टोर वाला सीधा मूवमेंट आपका जैसे जीआरएन साइन होगा, ठीक है ना, जैसे ही आपका गुड रिसीव्ड होगा, आप साइन करोगे, आप चेक करोगे, क्वालिटी चेक करोगे, उसी दिन वो मटेरियल आपके अकाउंट में बुक हो जाएगा, मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट बुक हो जाएगा, ऑर्डर बोले तो कॉस्ट सेंटर में बुक हो जाएगा, आपके बजट में वो खर्चा बुक हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे मटेरियल के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, दूसरा है 201 मूवमेंट, ठीक है ना। 201 मूवमेंट होता है दोस्तों, ये होता है MB21 टी कोड होता है, 201 है कोड इसका, MB21 अगर टी कोड अगर बोलोगे तो MB21 होता है। उसमें क्या होता है, आपका कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में मटेरियल बुक होता है, ठीक है ना, 201 मूवमेंट, ठीक है, सेंटर, स्पेलिंग थोड़ी सी फास्ट हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मैं बोलूँगा 221, 221 क्या है, WBS, ठीक है ना, 221 क्या है, WBS के अगेंस्ट में क्या है आपका कंजम्पशन, ठीक है ना, कंजम्पशन करने के लिए, मतलब WBS क्या होता है, मान लीजिए इसको एक तरीके से अदर प्लांट में कैपेक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैपेक्स के अगेंस्ट में मटेरियल जो बुक होता है उसको 221 मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट एंड जो मूवमेंट है वो है 261, ये क्या होता है, मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम मटेरियल बुक करते हैं, मेंटेनेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल बुक करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मटेरियल टाइप मूवमेंट फिर से बता रहा हूँ, जो 101 मूवमेंट होता है क्या होता है, जैसे मैंने कोई पीआर बना दी, ठीक है, कोई एक मटेरियल मंगा रहा हूँ, मान लो एक बेयरिंग मंगा रहा हूँ, ठीक है, बेयरिंग किसे बनाऊंगा, जो टी कोड होता है बेयरिंग मंगाने का, टी कोड क्या है दोस्तों, ME51N, जो आपको सारी चीज़ें मैंने बताई, टी कोड क्या होता है क्या नहीं होता उसके बाद जरूर देख लेना, और उसमें मैंने क्या क्या बातें की है वो सारा इस चैनल में अवेलेबल है। अगर कोई व्यूवर से जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी मिल जाएगा कि उसको भी दिख जाएगा सिचुएशन में कि क्या है क्या नहीं बोल के, ठीक है दोस्तों।
जो परचेस ऑर्डर जो बनाते हैं ME51N, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, अगर आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में बनाओगे, मतलब आपका जो अकाउंट असाइनमेंट होता है परचेस ऑर्डर में, अकाउंट असाइनमेंट होता है, अकाउंट असाइनमेंट में अगर आप मेंटेनेंस ऑर्डर डाल दोगे या कैपेक्स ऑर्डर का नंबर डाल दोगे, तो क्या होगा, जब मटेरियल आएगा, वेंडर परचेस करेगा, कहीं से जुगाड़ करेगा या ओईएम से मंगवाएगा, और वो मटेरियल के आपके स्टोर में भिजवाएगा, ठीक है ना। जैसे स्टोर में भिजवाया, आपके आया इंटीमेशन आया कि आपका मटेरियल आ गया, आपने क्या किया, GRN साइन किया। GRN साइन करते ही ये बुक हो जाएगा आपके अकाउंट में, मतलब आपको भैया ऐसा है कि मटेरियल वहाँ पड़े रहे कहीं भी रहे, आपका मटेरियल कोई भी लेके जा सकता है। असली असली बात यह है कि क्या है, वन आउट वन मूवमेंट है। तो स्टोर क्या करता है, इसमें बोलता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो क्या करता है, वो छोड़ देता है, बोलता है कि आपका अगेंस्ट ऑर्डर है, 101 मूवमेंट हो चुका है, अब इसको क्या है, अगेंस्ट ऑर्डर में आपका जो अकाउंट असाइनमेंट में जो ऑर्डर नंबर डाला था उसमें सीधा जैसे ही आपने GRN साइन किया वैसे उसका खर्चा बुक हो गया। तो आपको क्या है, इमीडिएट वहाँ से मटेरियल उठा के अपने सब स्टोर में रखना जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा, कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट क्या होता है, एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर नज़र रखता है कि कौन सा मटेरियल किसके पास आया है। ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मटेरियल आया तो क्या कहते हैं, सब लोग की आपस में क्या होती है, ट्यूनिंग होती है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपका मटेरियल है, आपने मंगाया बेरिंग, 20 बेरिंग मंगाई है, और आपको 20 का इश्यू भी होगा, GRN नया, बोले मैं कल लेके आ जाऊंगा, और जब लेने गए तो बोले 15 बेरिंग, स्टोर वाले बोले नहीं आप तो बोले थे ले जाओगे, बोले क्या शायद आपने ले गया, हमको नहीं पता कौन किसने बेरिंग ले गई है। तो क्या हो जाता है, ये जो ट्यूनिंग जो होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, सिस्टम को थोड़ा बगड़ अप करती है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है, ठीक है ना। तो जो वन नॉट मूवमेंट जो मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो मटेरियल जो बुक आता है ना, उसमें आप डेफिनेटली ये फील करोगे कि मटेरियल आपका, स्टोर वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मटेरियल बुक हो गया, आपका खर्चा भी बुक हो गया, आपका काम भी नहीं हुआ, और क्या हो गया, आपको लॉस भी हो रहा है कि आपका मटेरियल, 5 मटेरियल किधर गया, 5 बेरिंग किधर गया, आप ढूंढते रह जाओगे। तो उसके लिए आप परेशान हो जाओगे कि यार मेरा वन नॉट मूवमेंट तो कराया, इतना मेहनत किया, PR बनाया, PR से रिलीज करवाया, इतने लोगों के आगे पीछे दौड़ा, और उसके बाद में क्या, PR का मटेरियल जो है PO कन्वर्ट हुआ, बाद में वेंडर से बात किया, टेक्निकल जस्टिफिकेशन दिया, 5 10 15 वेंडर आए, उनको टेक्निकल क्या बोलते हैं आपका क्लियरेंस दिया, TC दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या मटेरियल को सर्टिफाई किया, तब वो मटेरियल आपके स्टॉक में आया। इतनी लंबी मूवमेंट करने के बाद आपने बस एक साइन मारा, GRN पे एक साइन मारा है, 101 जो मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो PR जो बनाया है उसमें अगर आप अकाउंट असाइनमेंट में जो ऑर्डर नंबर डाले तो वाली बात करो, तो आपने बस एक साइन किया, और उसके बाद भाई वही है ना कागजात वाली बात, कि आपने कागजात पे साइन किया और लोगों की भीड़ है वो आपके मटेरियल को लूट लेती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, 101 मूवमेंट, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये चीज़ फेस करोगे, अगर आप नए हो, अगर आप कंपनी में जा रहे हो तो आप ये चीज़ फेस करोगे, जो एग्जिस्टिंग है डेफिनेटली मेरे वर्ड के साथ आप कोरिलेट करोगे, ठीक है ना। अब क्या है, जो दूसरा जो मूवमेंट जो बता रहा हूँ दोस्तों, वो मूवमेंट का टाइप में क्या हमने बताया, 201 201 मूवमेंट जो होता है दोस्तों, ये टी कोड ME21 टाइप करोगे, ME21 टाइप करोगे तो क्या होगा, जो मूवमेंट टाइप होता है, मूवमेंट टाइप में अगर आप 201 डालोगे, ठीक है ना, जैसी को स्क्रीन खुलती है 201 मूवमेंट डालो, तो मूवमेंट टाइप खोलते साथ उसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोज़ हैं, ठीक है ना, मेरे चैनल में वीडियो हैं, जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, पता है, बहुत सारी वीडियो बनाई है, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाई है, और भी बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, जो जो क्या है प्लांट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन सब के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लेना। बात आई 201 मूवमेंट की, तो जैसे ही आप टी को टाइप करते हो ना, ME21 स्क्रीन खोलोगे तो मूवमेंट टाइप आ जाएगा कि मूवमेंट टाइप क्या है, तो आप लिखोगे 201 201 मूवमेंट, जैसे खोलोगे तो उसमें आ जाएगा अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर। तो ये दोस्तों ये भी क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या है, ये आपका किसी मतलब जो आपका बजट होता है, तो हर एक बजट के अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर बना होता है, उसमें आपका जो अमाउंट है 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, उसका एक बजट होता है। तो जो कोई कोई मूवमेंट है, मान लो एक बेयरिंग है, फिर से बेयरिंग की बात कर रहा हूँ, 22215 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 22215 की बेयरिंग आई, वो 22215 की बेयरिंग 101 मूवमेंट में आई, आपने GRN साइन कर लिया, कोई और चुरा के ले गया, सच्ची बात। अब आई बात 201 मूवमेंट की, ठीक है ना, 201 मूवमेंट क्या है, 22215 की बेयरिंग है, आपके स्टोर में स्टॉक है, ME21 से आपने ME5B से देख लिया, ME52 से देख लिया, स्टॉक दिख रहा है कि 5 बेयरिंग है, आपने 201 मूवमेंट गया ME21 में डाल के, मूवमेंट टाइप 201 डाला, और उसमें मटेरियल का मटेरियल कोड डाला, क्वांटिटी डाली, और क्या होता है कौन रिसीव कर रहा है वो डाला, बैच किधर का है, कौन से बैच में आया है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में बैच है, आपका है किसी और का है, वो डाल के आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका रिजर्वेशन नंबर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रख लीजिए मैं जो बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँगा,
जो 200 एक मूवमेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप स्टोर में एग्जिस्टिंग मटेरियल को टी कोड MB50, MB52, MB5B, MMB, MMG, बहुत सारे कोड हैं, आपको कोड बताने लगूँ तो सबके ऊपर वीडियोस हैं, उसके ऊपर बहुत बेसिक वीडियो बनाई है, बहुत एडवांस लेवल की वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्टोर में जो स्टॉक अवेलेबल है ना, उसको क्या कॉस्ट सेंटर अगेंस्ट में अगर हम बुक करते हैं, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट, कॉस्ट सेंटर जहाँ है वहाँ क्या होंगे रेवेन्यू आ गई। रेवेन्यू क्या आपका जो रूटीन मेंटेनेंस में जो एक्टिविटी की जाती है उससे रिलेटेड जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका बजट 5 लाख का है, आपने 5 बेरिंग मंगाई 22215 की, आपने कॉल सेंटर डाला, बैच नंबर डाला, कौन से डिपार्टमेंट का है, आपका है या किसी और का है, कंसेंट लिया सामने वाले डिपार्टमेंट से कि भाई मुझे लेना है, ठीक है, आपने क्वांटिटी डाल दी, सेव कर दिया, आपका एक रिजर्वेशन नंबर बन के आ जाएगा, नंबर 5 डिजिट का होगा, 7 डिजिट का होगा एज पर योर कंपनी रूल, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, आपका मटेरियल जो कंज्यूम हुआ स्टोर से, ये जो मटेरियल जो निकाले हुआ आप, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा कि एक मिनट सॉरी, तो आपका जो मटेरियल जो आपने जो बुक किया है ना, ये जो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे आपने कॉस्ट सेंटर डाला, MB21 डाला, ये डाला, ठीक है ना, तो आपका जो मटेरियल है वो स्टॉक से निकल जाएगा और आपके उसमें चला जाएगा, और आप एक व्यक्ति को भेजोगे, अपने डिपार्टमेंट के किसी पर्सन को भेजोगे, वो जाएगा स्टोर में, जाएगा लेगा मटेरियल और क्या बोलते हैं अपने आपको दे देगा। इसमें एक चीज़ सबसे अच्छी क्या बताऊँ, आपने जिस आदमी को असाइन किया उसका आपको रिजर्वेशन स्लिप दोगे, वो जाएगा लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मूवमेंट टाइप 201, जिसमें क्या है आपको सिर्फ MB21 में सीधा रिजर्वेशन डालना है, कहाँ काम करो, किधर काम करो, कुछ नहीं रहता इसमें, सिर्फ मूवमेंट टाइप रहता है, ओके। अब मूवमेंट टाइप आया 221, 221 मतलब क्या, WBS इसलिए बोला कि देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप जब ज्वाइन करते हो तो अप्रैल, जो फरवरी से अप्रैल जून का महीना जो रहता है ना, वो बजट का रहता है कि मान लो आपके प्लांट में क्या बड़े बड़े मेजर मेजर जॉब्स होंगे, जिसको कैपेसिटी बोल लेते हैं, कई लोग WBS बोल लेते हैं, तो क्या उसमें मेजर इंप्रूवमेंट पार्ट होते हैं, मेजर रिप्लेसमेंट पार्ट होते हैं, उनको हम कैपेक्स या WBS की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो जो 221 मूवमेंट है उसमें क्या करते हैं, हम टी कोड खोलते हैं MB21, MB21 में मूवमेंट टाइप जो बोला ना, ये मूवमेंट टाइप है, 201, 201, 221, 261, तो उसमें मूवमेंट टाइप मैंने क्या डाल दिया, 221। तो 221 जैसे मूवमेंट डाला, क्यूपेंट खुला, मतलब स्क्रीन खुली, वहाँ पर WBS का नंबर है, आपका जो भी बजट में जो WBS का नंबर है, जो करोड़ों का होगा, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो प्लांट के एनहेंसमेंट के लिए, कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेफ्टी एनहेंसमेंट के लिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए होता है। तो WBS का जैसे ही आप अमाउंट डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपने उसमें भी वही 22215 की बेरिंग, 5 क्वांटिटी डाली, बैच नंबर डाला, सब डाला, किसी उसमें क्या है, ये आपके रेवेन्यू मतलब रिपेयर टू मेंटेनेंस में खर्चा बुक नहीं होगा, जो आपको साल भर का जो बजट मिलता है, ये अलग से बजट है, ये एडिशनल बजट है जो प्लांट के इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट टाइप है 221। इसमें 221 से फिर आपको एक चीज़ बता दो, इसमें कहीं आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, किस चीज़ के लिए आप लगा रहे हो, इसमें भी पता नहीं चलेगा कुछ में 221 में, ठीक है। याले 201 में भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर क्या लगा रहे हो। 101 जो है इसमें भी आपको क्या है, एक आपने ऑर्डर क्रिएट कर दिया है, ये मान लो कि आपका एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसमें शटडाउन हो रहा है, आपने शटडाउन के अगेंस्ट में आपने परचेस PR बनाया, उसमें क्या है अकाउंट असेटमेंट में आपने परचेस ऑर्डर का नंबर डाल दिया, सॉरी शटडाउन ऑर्डर का नंबर डाल दिया, मटेरियल आया शटडाउन में डल गया, लेकिन शटडाउन में कहाँ गया, पाइप में गया, आपका कौन सी इक्विपमेंट में गया, 22215 बनी किधर गई, मल्टीपल इक्विपमेंट है, आप नहीं पकड़ पाओगे। अब बात आती है 261 की, मूवमेंट टाइम इसलिए बता रहा दोस्तों ताकि मूवमेंट क्या, आप किसी कंपनी में जाओगे तो आ क्या है, जब नहीं ज्वाइन करोगे, किसी डिपार्टमेंट में इंटरचेंज भी होते हो तो आपको हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सब पे डिपेंड रहते हो, भाई मुझे बता दे, तेरा कागज़ दे, ये दे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर कंपनी में SAP इंप्लीमेंट हो गया, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, आप ना आराम से देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं बोल के। तो मूवमेंट टाइप 261 है, इसमें क्या है, आपको सिंपली आपको क्या है, एक IW31 खोलना है, IW31 में आपका जो भी प्लांट में जो मशीन है उसको, मशीन को सेलेक्ट करना है, मशीन में आपको क्या मेंटेनेंस एक्टिविटी लिखना है, उस सब्जेक्ट में लिखना है, हेडर में कौन सा डिपार्टमेंट का है वो डालना है, ठीक है। बाद में रिलीज करना है, रिलीज करने के बाद जो कंपोनेंट वाला जो पार्ट आता है, कंपोनेंट वाले पार्ट में आपको मटेरियल को बुक करना है, जैसे 22215 की बेरिंग कंपोनेंट में डाला, क्वांटिटी डाल दिया 5, बैच डाल दिया, स्टोरेज लोकेशन L डाल दिया, रिसीव्ड बाय लिख दिया और सेव कर दिया, फिर स्टोर में भेजा, 261 मूवमेंट के अगेंस्ट में जो रिजर्वेशन नंबर आया है वो आएगा, बेरिंग आपके सब स्टोर में आ जाएगा, आपके मेंटेनेंस के लिए आ जाएगा। अब आती है समरी की बात, समराइज क्या करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो मेरा समराइजेशन आपको पहले से क्लिक हो गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर नहीं हुआ है तो भी बता दे रहा हूँ
कि दोस्तों किसी भी प्लांट में कोई भी मटेरियल जो होता है कितना कंज्यूम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो दिख जाता है MB51 के थ्रू कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, क्या हो रहा है बोल के, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किस इक्विपमेंट में खर्चा हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, आपने मटेरियल मंगाया कहाँ डाला आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसको पता करने के लिए सबसे अच्छा कोड कौन सा होता है, वो होता है 261। बेसिकली मैं आपको सबको ये डिफाइन करूंगा, 261 जो टी कोड होता है दोस्तों, सॉरी जो मूवमेंट टाइप होता है, वो मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में होता है। और आप 10 साल बाद भी अगर देखो कि मेरे एक इक्विपमेंट है, मान लो कोई भी इक्विपमेंट है ABCD, उसके अगेंस्ट में मैं कितने बार मटेरियल मंगाया, कौन कौन से मटेरियल मंगाया हूँ, तो इससे क्या 10 साल बाद या 1 साल बाद आपको एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि इस इक्विपमेंट ये सारी चीज़ें कंज्यूम होती है। तो क्या होता है, आपको कहीं पर कागज में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई घुमाएगा नहीं, समझ रहे हो। लोग घुमाने वाले बहुत होते हैं प्लांट में, आपको बता दे रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि यार मेरा क्या है क्या नहीं बोल के, ये सब चीज़ें आते रहेंगी, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एक चीज़ और बोलूँ दोस्तों, अगर मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपका क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, आपका क्या है, ट्रैकर क्रिएट हो जाता है। ट्रैकर क्या क्रिएट होता है, आपको किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रैकर क्रिएट है। आपको सिंपली क्या है, जाना है, मटेरियल बुक करना है और आपको सब चीज़ मिल जाएगा कि आपका हिस्ट्री क्या है क्या नहीं बोल के, आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जो मैं इसमें क्या चीज़ मैंने आप लोग के दिमाग से निकाल दे दिया, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी जो आती है लोगों के ऊपर ना, वो आपकी हट जाएगी, आप ना कन्फ्यूज नहीं रहोगे मुझे करना क्या है, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो आपने आराम से रिजॉल्व कर लोगे। इससे क्या, जो टॉप मैनेजमेंट को आपके ऊपर भरोसा आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं कि कोई मोमेंट ख़राब है, मैं नहीं बोल रहा कि मोमेंट, अरे ये मोमेंट बनाए होते गलत है क्या, बात उस चीज़ की नहीं है। बात ये है कि देखो अगर आपका डिफाइंड है कि मेल्टर पिट, आपके प्लांट में कोई मेल्टर पिट है, या आपका क्या बोलते हैं आपका कोई क्लैरिफायर है, ठीक है ना, या आपका कोई पर्टिकुलर कोई वसल है जिसमें क्या है एक फिटकरी यूज होती है, फिटकरी डेफिनेटली वहीं यूज होगी जहाँ पर पानी होगा। तो मैं उस चीज़ को मैं कोई दिक्कत नहीं कि हाँ यहाँ पर है, क्योंकि वो डिफाइंड लोकेशन है, डिफाइंड डेजिग्नेटेड पोजिशन है, तो आपको कोई ट्रैकर करने की जरूरत नहीं, हाँ ये यहीं होता है, क्योंकि ये भाई जिंदगी भर चलता रहा है। लेकिन बेयरिंग सोचो, बेयरिंग आप पता कर सकते कौन सी इक्विपमेंट आपके पास, तो नंबर इक्विपमेंट है 22-15 का, तो हर जगह ले सकता है, आप कैसे पता करोगे कहाँ पर कंज्यूम हुआ बोल के। मेरी बात समझ रहे हो कि जो ट्रैकर जो है ना, इसको मैं जो हाईलाइट जो करूँ, ट्रैकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ट्रैक करना है तुम लोग को, वो बहुत जरूरी है, कन्फ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। क्या होता है कि बहुत इजी होता है 200 MB21 में डाल के मूवमेंट डाल दो, फटाफट बुक कर दो, तो इजी हो जाता है कि क्या है क्या नहीं बोल के। लेकिन क्या है, MB21 में आप मूवमेंट आप 261 डाल के भी आप बुक कर सकते हो ऑर्डर नंबर डाल के, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्रिएटेड है। अब एक चीज़ और गड़बड़ होती है जो मैंने देखा हूँ कि लोग क्या करते हैं बताऊँ, लोग क्या करते हैं, ईजीनेस क्या होता है, एक बार ऑर्डर बन गया, सिंगल ऑर्डर पे रैंडम मटेरियल बुक करते हैं। तो जो इजीनेस क्या है, सिंगल ऑर्डर रहता है उसमें रैंडम मटेरियल बुक करते हैं, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है कि मान लो आपका पंप है, ठीक है ना, और पंप में आप क्या बोलते हैं, बेल्ट डाल दे रहे हो, वो भी कौन सी बेल्ट, जो M30 ग्रेड की बड़ी बड़ी बेल्ट आती है, तो भाई पंप में बेल्ट तो नहीं आता, आपने क्या देखा कि ऑलरेडी ऑर्डर ओपन है, चलो डाल दें। तो क्या है, ये सब चीज़ें क्या रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, आप कंपनी को धोखा दे रहे हो, आप काम के प्रति लापरवाह हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि सबसे बेस्ट टी कोड क्या है, आप कमेंट जरूर करना, मेरे से कनेक्ट हो तो जरूर कनेक्ट बताना कि कौन सा टी कोड आपको सबसे बेस्ट लगता है। देखो ये क्या मेंटेनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड बता रहा हूँ, आपके जो कैपेक्स आते हैं या WBS आते हैं साल में 5 या 6 आएंगे, लेकिन मेंटेनेंस हर दिन आएगा, याद रखो। तो मूवमेंट टाइप क्या है मुझे जरूर बताना, 101 अच्छा है, 201 अच्छा आपको लगा, 221 ज़्यादा अच्छा लगा, या 261 अच्छा लगा, और कमेंट में जरूर डालना, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी उनकी नहीं आ रही है, तो मैं दोस्तों में कर रहा हूँ कि ये चाहता हूँ कि आप अपने जितने भी ग्रुप हैं उनके साथ कनेक्ट करो, उनको बताओ कि ग्रुप के बारे में बताओ कि यहाँ पर एक बंदा है जो क्या है इतनी मेहनत करा आप लोग के लिए। तो आप सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और यही है कि जितना ज़्यादा मेरे चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हो उतना कनेक्ट करो, डाउट है तो क्वेश्चन करो, ठीक है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे 2-4 लोगों के नाम भी याद हो गए कि डेफिनेटली उनके कमेंट आएंगे, बोले मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसने मेरी वीडियो देखी या नहीं देखी बोल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या होता है ना, एक व्यूवर्स का और एक क्रिएटर का ना एक ना बॉन्डिंग ना बहुत बेस्ट है, वो बताता है कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। सो थैंक यू।